मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। करो कज जबीं पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमान हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। शेर का मफहूम ये है, कुछ ऐसी तस्वीर शेर से सामने आ रही है कि शायर ने अपनी जान तो कुर्बान कर दी है, अब उन्हें गुसल दिया जा चुका है और उन्हें कफन भी पहनाया जा चुका है। जाहिर है कि मरने के बाद मुख्तलिफ किस्म के लोग मरने वाले का चेहरा देखने आते हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसा फ़र्द जिसने जालिम ताकतों के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी नबर्द आज़माई की हो, तो वो आमद उन नास में बहुत मारूफ होता है। तो फैज़ साहब को ये गुमान हुआ कि हो सकता है मेरे मरने के बाद दुश्मन मेरा चेहरा देखने आएं और वो मेरे तासुरात महसूस करना चाहें कि ज़िंदगी भर जो मैंने जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत की और अपने इश्क पर जो मुझे गुरूर था और घमंड था और उसका एक बांकपन मैंने हमेशा कायम रखा, आया वो मरने के बाद भी मौजूद है या सिर्फ वो ज़ुबानी कलामी दावे थे जो दुनिया में ही ख़त्म हो गए और मरने के बाद उसका कोई तासुर चेहरे पर नुमाया नहीं हुआ। और ये एक फितरी सी बात है, इंसान के अफकार, नज़रियात, ख्यालात, उसकी सोचें, उसके आमाल मरने के बाद किसी हद तक चेहरे से अयां होती हैं। कोई जितना मुतमैन होता है मरने के बाद चेहरे पर उसके उतना ही इत्मीनान होता है। इसी तरह से जालिम लोग, नरम दिल लोग, सबके कुछ न कुछ उनके असरात चेहरे पर ज़रूर नज़र आते हैं और आमद उन्नास की ज़ुबानों पर भी वो जारी हो जाते हैं। तो फैज़ साहब अपने मरने के बाद कह रहे हैं, अजीज़ तलबा ये शेर आप सोचेंगे कि मरने के बाद एक शायर कैसे शेर कह सकता है, कैसे वो किसी को कोई बात कह सकता है। याद रखिए, शायरी ख्यालात की दुनिया है, तखय्युल है। यहाँ दो और दो तीन भी होते हैं, कभी कभी चार भी होते हैं, पाँच भी हो सकते हैं। ये साइंस की दुनिया नहीं है। साइंस में, मैथमेटिक्स में, वहाँ फैक्ट्स और हकायक से बात होती है। शायरी तखय्युल है और तखय्युल की कोई हद नहीं है, और मुबालगा आराई जितनी ज़्यादा होगी शेर में उतनी ज़्यादा खूबसूरती पैदा होगी। मुबालगा आराई शायरी की जान समझी जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि करो कज, कज के मानी होते हैं टेढ़ा। एक खत आप लगाएं सीधा, उसको थोड़ा सा दाएं बाएं कर दें, वो कज हो जाएगा। तो लफ्ज़ कज सबके के तौर पर लगता है, यानी किसी लफ्ज़ के शुरू में लगा के कोई नया लफ्ज़ आप बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कज अदा, टेढ़ी अदाओं वाला, ठीक है। हम कहते हैं कज खुल्क, बुरे अखलाक वाला, कज जबान, बुरी जबान इस्तेमाल करने वाला। करो कज जबीन पे सरे कफन, जब कफन दिया जाता है तो सर के ऊपर भी उसका एक हिस्सा यूं होता है, तो वो बिल्कुल यूं सीधा होता है। तो फैज साहब कहते हैं कि मेरे माथे पर, मेरी जबीन पर मेरे कफन का किनारा थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। आपने देखा होगा कि हमारे जंगजू और हमारे बहादुर सिपाही जब अपने सर पर अपनी टोपी रखते हैं तो उसको थोड़ा सा कज कर देते हैं। ये उनके बांकपन को जाहिर करता है, उनके निडर होने का एक मैसेज और पैगाम देता है, अपनी दलेरी अपने दुश्मन पर जाहिर करता है कि मैं बहुत कज मिजाज हूँ, टेढ़े मिजाज, यानी एक बहादुरी के मानों में लिया जाता है। तो फैज साहब कहते हैं कि अब चूंकि मरने के बाद मैं अपने सर पर किसी बहादुर सिपाही की टोपी तो पहन नहीं सकता, कफन है, तो यूं करो कि मेरे कफन का किनारा जो मेरे माथे पर है उसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। हो सकता है मेरे कातिल मेरा चेहरा देखने आए तो उनको ये गुमान ना हो कि वो जो गरूर इश्क था जीते जी, अपने नज़रियात पर मैं कायम रहा, डटा रहा, मैंने जुल्म के खिलाफ बगावत की, अपने नज़रियात पर कायम रहा, कभी अपने ख्यालात को नहीं छोड़ा और वो गरूर इश्क मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा था, ऐसा ना वो समझें कि मरने के बाद हमने वो गरूर छोड़ दिया, पसे मर्ग मौत के बाद, कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। उन्हें ये गुमान नहीं होना चाहिए। ये शेर की खूबसूरती है कि वो अपने नज़रियात के साथ, उनकी जो कमिटमेंट है अपने नज़रियात के साथ, जो उनकी ये गहरी वाबस्तगी है, वो चाहते हैं कि मरने के बाद कफन के टेढ़े होने से वो जाहिर हो और मेरे दुश्मन मेरी कमज़ोरी को महसूस न करें कि मरने के बाद हमने अपने आप को तब्दील कर लिया या अपने ख्यालात को छोड़ दिया है। उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख उजर था गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया,
जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। अजीज तलबा, इस शेर का मफहूम यह है, अपना और उस ताकत का एक मवाजना वो दे रहे हैं, जालिम और मजलूम की नफ्सियात बता रहे हैं कि जिसे सजा सुनाई जा रही है, जिसके खिलाफ इल्जाम है, जिसके खिलाफ फैसला आना था, उसकी बात सुनी नहीं जा रही। अदल और इंसाफ का तकाजा यह है कि जिस पर इल्जाम है उसका मौकफ सुनकर उसके बाद कोई फैसला सुनाया जाए, लेकिन जालिम और जाबिर ताकतें कभी मजलूम का मौकफ नहीं सुनते। उन्हें तो अपना हुक्म नाफिज करना होता है। मौकफ वही सुनता है जिसने अदलो इंसाफ करना हो, या जिसका इरादा हो कि मुझे सही मुकाम तक पहुंचना है, सही फैसला हो, जिसने पहले से ही सोच रखा है एक फैसला महफूज है, उसको सिर्फ नाफिज करना है, वो ताकत कभी नहीं सुनती। और ताकत का हमेशा ये असूल है, जिसके हाथ में लाठी होती है वो हमेशा यही करता है, वो दूसरे का मौकफ नहीं सुनता। तो फैज साहब भी एक ऐसे ही फर्द का नुकता नजर पेश कर रहे हैं कि जिस पर इल्जाम लगाया गया है मगर उसे सफाई का मौका ही नहीं दिया जा रहा, उससे बात ही नहीं पूछी जा रही कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी वहां जो मसनद अदालत पर बैठा है उसकी जुबान पर बस एक ही लफ्ज है, उधर एक हर्फ था क्या, कुश्तनी, फारसी में कुश्तनी मार दिया जाना, कत्ल किया कर दिया जा, गर्दन उड़ा देना कि इसकी गर्दन उड़ा दो, ये लायक गर्दन जदनी है, मार देने के लायक है, कत्ल कर देने के लायक है, बस एक ही हर्फ था, कोई और बात नहीं, नहीं मार दो, कत्ल कर डालो, गर्दन उड़ा दो। यहां अपनी बात कर रहे हैं या उस शख्स की जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं मजलूम की, यहां लाख उजर, उजर के मानी बहाना, गुफ्तनी कहने के लायक, बताने के काबिल, हजार बात थी अपनी सफाई पेश करने के लिए मगर मौका ही नहीं दिया गया। जब जाबिर ताकत जो मसनद इक्तदार पर है वो बात ही नहीं सुनना चाहता, तो जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, कि जब उसके सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ कहना चाहा तो उसने सुनी अनसुनी कर दी। जब हमने ये महसूस किया कि जो हम कह रहे हैं वो सुना नहीं जा रहा, तो सोचा कि लिखकर अपनी मारूजात पेश कर दी जाए, अपनी बेगुनाही लिखकर बता दी जाए, तो उन्होंने उसको पढ़ के सबूत को मिटा दिया, उसको फाड़ दिया। तो दर हकीकत फैज साहब इसमें जालिम की नफसियात उजागर कर रहे हैं, जाबिर कुवतों की यही नफसियात होती है। इसमें रंग, खित्ते, इलाके, नस्ल का कोई इख्तलाफ नहीं, ना जमाने का इख्तलाफ है। रोजे अजल से ही हर ताकतवर का यही उसूल रहा है कि वो मजलूम की आवाज सुनता ही नहीं, उसकी बात सुनता ही नहीं है, वो कहे तो सुनता नहीं, वो लिख कर दे तो उसे पढ़कर मिटा देता है। तो गोया उन्होंने अपने इस समाज और माशरे में जिसमें वो रहते हैं उसका एक नक्शा पेश किया है कि यहाँ अदल नहीं है, यहाँ मुसावात नहीं है, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ मजलूम की बात सुनी नहीं जाती, बस यही कहा जाता है कि इसको मार दो, कत्ल कर डालो, फांसी पे लटका दो, और जब वो कोई बात कहना चाहता है तो बात सुनी नहीं जाती, लिख कर पेश करता है तो उसकी बात को पढ़कर मिटा दिया जाता है, यूं उसे कभी इंसाफ नहीं मिल सकता।